नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएसआर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कर्णिका सिंह। आइए नजर डालते हैं सुपर सेवन खबरों पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में शह और मात का खेल जारी। बीजेपी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की कर रही मांग। वहीं गवर्नर से आज मिलेंगे कमलनाथ। मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए मुलाकात है। भारत के 12 राज्यों में कोरोना का असर। कर्नाटक में 76 वर्षीय एक व्यक्ति की कोरोना से हुई मौत। देश में अब तक 77 संक्रमित, जिनमें 17 विदेशी शामिल। वहीं कोरोना वायरस के चलते दिल्ली में सिनेमा, स्कूल व कॉलेज 31 मार्च तक बंद। कोरोना की चपेट में आई कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पत्नी। कनाडिया मीडिया के अनुसार दोनों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। भारी बारिश के साथ चलेगी आंधी। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों को चिन्हित कर 5 दिनों के लिए चेतावनी दी है। दिल्ली, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की उम्मीद। इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया। सीरीज का दूसरा मैच 15 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। कोरोना वायरस के चलते फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज डेट टली। सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा, क्योंकि हमारी सुरक्षा सबसे पहले आती है, इसलिए सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। शुक्रवार को शेयर बाजार खुलने के कुछ देर बाद बंद हुआ। भारी गिरावट के चलते 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकी गई। प्री ओपन में सेंसेक्स 1300 अंक लुढ़क कर 31,400 अंक के नीचे पहुंचा, तो वहीं निफ्टी भी 500 अंक की गिरावट के साथ 9,230 अंक पर था। अभी तक के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए जेएसआर टाइम्स।